आप लोगों में बहुत लोग समझदार होंगे और थोड़े बहुत किसी को गाइडेंस की नीड होगी। तो जो समझदार है, जिसको गाइडेंस की नीड है, उन सारे बच्चों के लिए ना ये वीडियो है कि एग्जाम से 3 महीना 4 महीना पहले क्या मैंने किया था जिससे कि मेरे ये सारे चीज आए। नाम अभिषेक कुमार ओझा, ध्यान से पढ़ना, कुमार और ओझा इधर उधर नहीं है मेरा, चेक कर लेना। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कुछ और बोलता हूँ बाद में कुमार बोलता हूँ। रोल नंबर चेक कर लेना, 2020 का है, 22/11/79/332 याद है। ऐसा नहीं कन्फ्यूजन है कि लिस्ट में, हो सकता है ये ना भी हो, ऐसा नहीं होगा, यही है, ये 2020 का है। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 112 था। 2021 का पेपर में मुझे CBI में एक पोस्ट मिला और मेरा मैथ्स का स्कोर 195, 192.5, 190 इस तरीके से रहा, कंटिन्यूस 190 से 195 के बीच में रहा। तो इससे आपको पता चल सकता है कि मैं कितना एक्सपीरियंस है मुझे पेपर को लेके। फर्जी टॉपर नहीं हूँ मुंह से बोलने वाला, रियल टॉपर। आइए अपना सफ़र बताऊंगा। सफ़र बताने से पहले मैं अपने बारे में बता दिया, उस सफ़र से आप क्या क्या लर्न कर सकते हो, क्या क्या पॉइंट आप नोट कर सकते हो, ध्यान से सुनना, हो सकता है आगे थोड़ा बोरिंग हो जाए क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ, धीरे धीरे बताता हूँ, मोटिवेशन नहीं दे पाता हमेशा, सारी रट के आया भी नहीं हूँ आज, तो आप कोशिश करना सुन लेना। आ जाओ, अब देखो क्या है कि मैं क्या करता था 3-4 महीने पहले, ये मैं बताऊंगा। पेपर का डेट आ गया है, जुलाई में पेपर होने वाला है, लगभग 3 महीने से अधिक है आपके पास। बीच में नोटिफिकेशन आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, उसके आप फॉर्म फिलिंग का, ये सब आपको टाइम बर्बाद होगा ही होगा, तो उस सबको मैं काटते छाटते बोलता हूँ 3 महीने हैं। अब देखो कुछ पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, इन सब पॉइंट पे आपको ध्यान से सुनना है। जैसे बोलूँ कि आपका डेली टारगेट्स, मेरा क्या होता था मैं ये बताऊँगा। मैं पर डे रात को अपना डेली टारगेट बना लेता था और उसको अगले दिन एग्जीक्यूट करता था। मैं हर दिन टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता था कि इंग्लिश मेरे को ये पढ़ना है, उसमें लगभग इतने देर लगेंगे, मैथ्स में ये पढ़ना है, इतने देर लगेंगे, रीजनिंग मेरे को ये करना है, इतने देर लग सकते हैं लगभग, GK ये करना है, मॉक टेस्ट ये देना है, रिवीजन मेरा फिक्स था, कैसे मेरे को रिवीजन करना है। उसके साथ साथ अगर मैं बोलूं तो मेरे रिसोर्सेज भी फिक्स थे कि सिर्फ इतना ही रिसोर्सेज पढ़ना है, नहीं तो मंजन भैया अलग रिसोर्स दे सकते हैं, मगन भैया अलग रिसोर्स दे सकते हैं, कुमार सर अलग रिसोर्सेज दे सकते हैं, 7 रिसोर्सेज ले लो, 13 साल तैयारी करो। अब देखो GK और GS जो कि सबसे ज्यादा पेनफुल चीज है, यहां पर यही आपको रैंकर बना सकता है, यही आपको टॉपर बना सकता है और यही आपको फेल भी करा सकता है। मेरे टाइम तो भी थोड़ा सा हम लोग के लिए आसान होता था क्योंकि 700 मार्क्स में से सिर्फ 50 मार्क्स का GK रहता था, तो रैंकर्स जो होते हैं उनका GK का स्कोर अच्छा होता है तभी जाके वो रैंकर होते हैं, लेकिन जिनका मार्क्स कम भी रहता था वो भी एक पोस्ट ले लेते हैं। जैसे मेरा इसमें 35 के आसपास था। तो आपको GK के बारे में बताऊंगा, कैसे किया हूं मैं, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन करूंगा। ऐसा नहीं कि नॉर्मलाइज स्कोर दिखा के आपको ओरिजिनल स्कोर छुपा लूंगा, प्रॉपर आपको बताऊंगा ना, प्रॉपर, प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, अगला बार सर का वीडियो देख के सुन के आऊंगा प्रॉपर। ऐसे मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगा। देखो जब मैं तैयारी करता था ना भाई, तो कंप्यूटर नहीं आते थे उसमें, तो बच्चा लोग अभी जो कंप्यूटर जो गेम चेंजर बना है इस बार 2022 में, कि जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं कंप्यूटर के वजह से फेल हो जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और चीज़ है, देन वर्सेस नाउ। जैसे कि समय के साथ चिट्ठी लिखा जाता था प्यार होता था, तो फिर फोन आया तो उसमें मैसेजिंग करते थे टाइप करके कीपैड वाले से, फिर आ गया ये एंड्रॉयड फोन तो अब वीडियो कॉल चलता है, तो समय के साथ सब कुछ बदलते जाता है। तो देन वर्सेस नाउ भी बताऊंगा कि पहले प्रिपरेशन का मोड क्या था, तरीका क्या था और अभी हमें क्या करना चाहिए, समझ रहे हो ना। अब ऑनलाइन डेटिंग भी होना शुरू हो गया है तो उसी तरीके से देखो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अभी के टाइम पर ना, मैं पहले ही बताया कि जो रिसोर्सेस है वो बहुत तरीके के हैं। कोई 90 दिन 90 मैराथन दे देगा, कोई आएगा 17 घंटे में परसेंटेज बढ़ा देगा। तो आपको चीज़ों को समझना है, अपने रिसोर्सेस को छोटा करना है, जितना कम होगा ना। एक शायरी तो इसे याद करके आया नहीं था लेकिन याद आ गया, रटा नहीं था, कि जितना कम सामान होगा सफ़र उतना आसान होगा। तो
आपको जितना कम आप रिसोर्सेस रख लो उतना ही ज्यादा जल्दी सिलेक्शन होगा। मैं बुक लिस्ट के बारे में यहां पर डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, बुक लिस्ट के लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा बस कि ये 4-6 बुक्स हैं, उसको आप 2-3 बार पढ़ लो, हो जाएगा सिलेक्शन। तो आप लोग कमेंट करना, बुक लिस्ट की वीडियो में लेकर आऊंगा, छोटा वीडियो। अभी मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कि कितने देर पढ़ना चाहिए, किस तरीके से टाइम डिवाइड करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मैं 18 घंटे पढ़ता था, लाइब्रेरी से निकलता नहीं था, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था, 2 दिन में पर्ची बांट के पढ़ा था। वैसे नहीं पढ़ना है आपको, ना पढ़ना है, स्ट्रगल करना है, कहानी कम बनाना है। कैसे? तो आपको हो सकता है किसी दिन आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे कि आज तो मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, तो उस दिन आप 12-14 घंटे पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, टारगेट्स आप कोशिश करो टारगेट्स के 80% टारगेट अचीव कर लो। किस दिन आप लेस मोटिवेटेड रहोगे उस दिन थोड़ा कम पढ़ लो, टारगेट के 40% 50% 60% पार्ट अचीव कर लो, टारगेट थोड़े बड़े बनाया करो। ये होता है तरीका। अगला चीज अगर मैं बात करूं तो 8-9 आवर में एवरेज टाइम लिख दिया हूं, किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम। ओवरऑल आप कोशिश करो कि वीक में 6 डेज पढ़ो, 1 दिन आप रिक्शा चलाओ, क्योंकि कहानी सुनाना है ना भाई, मैं सीरियस बात बोल रहा हूँ। 1 दिन रिक्शा चलाओ कि मैं रिक्शा चला के पढ़ाऊँ, ये बात बताने के लिए। अब देखो आपको ये 5 चीज़ है जो जिसका इंपॉर्टेंस मैं बताऊँगा। आपको हर दिन इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है और मॉक टेस्ट भी देना है। आपकी प्रिपरेशन ना 3 महीने के लिए नहीं रहना चाहिए कि 3 महीने बाद पेपर है तो 3 महीना बाद हम लोग सिर्फ 3 महीने प्री का तैयारी करेंगे। आपका फोकस सीधा मेंस रहना चाहिए जो कि 6 महीने बाद होने वाला है, 5 महीने बाद होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट वहीं से आएगा। पसीने में वीडियो बना रहा हूँ स्ट्रगल के लिए, टेंशन नहीं लो। अब देखो आप अगला चीज, इंग्लिश जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसका रोल 135 मार्क्स का है और 50 मार्क्स आपका है प्री में। सबसे अभी के टाइम में सबसे ज्यादा वेटेज लेकर बैठा हुआ है सब्जेक्ट, मतलब सबसे ज्यादा फोकस इसी पे करना चाहिए। मैथ टीचर हूं, झूठ बोल सकता था कि सिर्फ मैथ ही सब कुछ है, लेकिन आप लोगों के लिए सब कुछ सच होगा। आ जाओ देखो, इसमें 3 चीज होता है, एक रीडिंग कंप्रिहेंशन होता है, एक वोकैबुलरी होता है और एक ग्रामर होता है। अगर आपका स्कोर अभी के टाइम में इंग्लिश में 80% 90% के आसपास है तो आप मेरे सजेशंस को सिर्फ सुनना, उसमें से सारी पॉइंट आपके लिए नहीं होगी। लेकिन जिसका स्कोर ना 50 में से 25 आ रहा है, 30 आ रहा है, 35 आ रहा है, ऐसे तो वो लोग बातों को ध्यान से सुनना और फॉलो करना सारे पॉइंट्स को। मैं पहले ग्रामर के ऊपर बात करता हूँ। आपके पास कोई ग्रामर की बुक है मान लेता हूँ, पढ़ लिए हो, 4 बार पढ़ ली हो, 5 बार पढ़ ली हो, स्कोर आपका 90% 95% ग्रामर के सवालों में आता है तो आपको कोई बुक की नीड नहीं है, चुपचाप उसी को 1-2 बार और पढ़ लो। लेकिन अगर आप पढ़े हो, स्कोर आपका आता है 50% भी नहीं, कि 4 सवाल में 2 भी सही नहीं हो रहे हैं, तो आप एक काम करो, स्मार्ट बुक ले लो, द इंग्लिश स्मार्ट बुक। इसमें आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा, इसमें आपको लेक्चर्स भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, क्विजेज भी मिल जाएंगे, डाउट भी सॉल्व हो जाएगा, तो आप 1-1.5 महीने में कंप्लीट कर लोगे। उसको देखो वोकैबुलरी, वोकैबुलरी के केस में जो सवाल आते हैं ना पेपर में वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से आते हैं। अब जिसके पास प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है और वोकैब के सवाल में 80% 90% स्कोर कर रहा है, अच्छा कर रहा है। अब मेरे केस में क्या था, मेरे पास मेरे गुरुजी हमको भेज दिए थे PDF, उस PDF का मैं प्रिंट आउट निकलवा लिया और मॉक टेस्ट से जो भी निकल के आते थे उसी को मैं नोट डाउन कर लेता था। ऐसा नहीं कि पहले मैं इस किताब से पढ़ा और फिर जो किताब लिखी वो पागल है, ये कहानी नहीं है। मैं जिस PDF से पढ़ा वो PDF बेस्ट है, उस पर मॉक टेस्ट के और वर्ड मैं ऐड किया था, तो आपको वो जो PDF था ना उस बुक के फॉर्म में आ गया है, उसका नाम है 90 डेज प्लानर। आप इसको ले लो और साथ साथ जब आप मॉक दे रहे हो ना तो मॉक में कुछ नए वर्ड मिल जाते हैं, उसी पे नोट डाउन कर लो। एक ही चीज करो, अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन है तो उसी को पढ़ो, नहीं तो इसको पढ़ो। अगला है रीडिंग कंप्रिहेंशन। जो रीडिंग कंप्रिहेंशन है ना बच्चा, वो क्या है कि देखो प्यारे बच्चों, रीडिंग कंप्रिहेंशन का इंपॉर्टेंस हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ये आपका रैंक भी बना सकता है और ये आपको पीछे भी ले जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, रीडिंग कंप्रिहेंशन को 2 पार्ट में आपको समझना है। पहला है कि आपको पर डे न्यूज़पेपर या फिर कुछ भी रीड करने का कोशिश करना है, आधा घंटा,
और दूसरा है कि आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है भैया? तो प्रैक्टिस में देखो तीन चीजें होती है, तीन ही होती है। हाँ, क्या क्या? बोर हो रहे हो क्या? मोटिवेशन देना पड़ेगा क्या? मोटिवेशन की जरूरत है? नहीं ना। सब ध्यान दो, पैसेज, क्लोज टेस्ट, सारी याद नहीं आ रहा है, अगली बार से लिख के लाऊंगा। और है एक पैराचंपल। आपको करना क्या है कि रोज 20 मिनट टाइम देना है पैसेज को, अगले दिन 20 मिनट क्लोज टेस्ट को, अगले दिन 20 मिनट पैराचंपल को, और फिर इसको रिपीट करते जाओ प्रीवियस ईयर से, नथिंग एल्स। देखो अब 1.5 से 2 महीने में आपका स्कोर जो है ना, जो भी आता होगा उससे जंप करके 85% 90% में पहुंच जाएगा। आज हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं, जो कि मैथ्स। अब देखो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी मैथ्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि ऐसा सेक्शन है ना मैथमेटिक्स जहां पे आपको 450 घंटे पढ़ाया जा सकता है, लेकिन भाई तुम्हारा रैंकर 200 घंटे में कंप्लीट कर देता है। तो अब देखो मैथ्स इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि यहां पर 100% स्कोर जो है ना डुएबल है। क्या है? 100% स्कोर डुएबल है। देखो जीरो भी भाग रहा है इधर से उधर, ये वही जीरो है कि जो एग्जाम में अगर जीरो आता है ना तो गाली खाते हो। आपकी गाड़ी पे जीरो आ जाता है, वाह 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 वाह, तो ये जीरो देखो इधर भाग रहा था। तो यहाँ पे 100% आप स्कोर कर सकते हो अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो। अब ऐसा है कि 90 मार्क्स आएगा इसमें मेंस में, और प्री में इसमें आएगा 50 मार्क्स। तो इसका इंपॉर्टेंस तब भी कम है, लेकिन यहाँ पे आपको रैंक डिसाइड करा देगा ये। इस बार ही कई बच्चे हैं मेरे जिसको 90 में 90 स्कोर करे, 87 86 ऐसे स्कोर किए। तो अगर आप सही रिसोर्सेस सही गाइडेंस में पढ़ते हो, आप 500 घंटे के कोर्स के पीछे नहीं भागते हो, तो आप एक बार में पढ़ लोगे सब कुछ और सिलेक्शन भी ले लोगे। मैं मैथ्स के लिए सिर्फ एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे 101 आरएस के कोर्स को ट्रायल लो। जाओ माई पाठशाला ऐप को इंस्टॉल करो, जाके रिव्यू पढ़ो और लेक्चर्स को पढ़ो, एक बार में आपका मैथ्स का पूरा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद ना आपको प्रीवियस ईयर के पीछे भागना है, ना आपको किसी भी बुक के पीछे भागना है, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट हर चीज है उसमें। आ जाओ हम लोग अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है रीजनिंग। देखो यही है 101 कोर्स, इसमें जाके आप माई पाठशाला ऐप को इंस्टॉल करके ऊपर ही आपको दिख जाएगा। आ जाओ हम लोग रीजनिंग पे बात करते हैं। रीजनिंग को ऐसे सब लोग हलवा बना के रखा है, जिसको देखो रीजनिंग क्या है, रीजनिंग तो कुछ है ही नहीं ऐसे करके। फिर आता है सीजीएल में 22 का पेपर, जो कि फेल करवा देता है सबको। जो आते हैं बोलते हैं 50 में 50 रीजनिंग, 50 में 50 मैथ, 50 में 50 इंग्लिश, उनको एक बार अभी बैठवा दो पेपर में, क्योंकि सीएचएसएल का उस साल कट ऑफ 160 था, उस साल ये कहानी हुआ था। तो इजी पेपर में करना हमेशा आसान होता है, लेकिन जब पेपर के पैटर्न चेंज हो रहा हो, पेपर में लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ रहा हो, उस टाइम पे जो करता है वो होता है टॉपर। तो आपको क्या देखना है, 2022 2021 और 2020 में मत जाओ जिसमें भैया जी आपको बेवकूफ बनाते हैं, हमारे मंजन भैया। तो इस तीनों साल के पेपर आपको देखना है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी यहीं से बढ़ना शुरू हुआ था, इसमें थोड़ा टिपिकल आया था, और 22 में थोड़े अच्छे सवाल और इंक्लूड हुए मेंस में। आपको तीनों साल के प्रीवियस ईयर पेपर निकालने हैं, उसको सॉल्व करने हैं। फिर दो टाइप के आपको प्रॉब्लम मिलेगा, एक प्रॉब्लम मिलेगा कॉन्सेप्ट का और एक प्रॉब्लम मिलेगा पैटर्न का। तो आपको कॉन्सेप्ट सीख लेना है, नोट्स बना लेना है, और पैटर्न मतलब कुछ सवाल ऐसे आएंगे सीरीज का, फिल इन द ब्लैंक्स का, जिसके पैटर्न के लिए आपको एक अलग नोट्स बना लेने हैं, और इसी को 3-4 बार और सॉल्व करते रहना है। 1 घंटा काफी होता है रीजनिंग के लिए, उससे कम में भी काम चल जाता है। ये हो गया रीजनिंग। इसमें मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि नीड नहीं है इसकी। अगर कोई एकदम ऐसा बच्चा जिसको कुछ नहीं आता तो मैं बुक लिस्ट में लेकर आऊंगा, रीजनिंग के बारे में बता दूंगा बुक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको सेलेक्शन रैंक हर चीज डिसाइड करा देता है, जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको करंट अफेयर पढ़ना है, अपने अफेयर नहीं पढ़ना है,
क्योंकि एक बच्चा को मुझे करंट अफेयर बताया कि करंट अफेयर ऐसे पढ़ो, तो वो क्या बोल रहा है, भैया अफेयर करने की उम्र में आप करंट अफेयर पढ़ने बोल रहे हो, ससुर पढ़ लो पहले, नहीं तो तुम्हारी जो अफेयर जिसके साथ कर रहे हो कोई इंस्पेक्टर ले जाएगा। अब देखो देखो जीके जीएस करंट अफेयर्स में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में करंट अफेयर है, ये सब लोग नहीं समझा सकता, ध्यान से समझना। करंट अफेयर में अगर मान लेता हूं, मैं सवाल से डिस्कस करता हूं कि अभी 24 जनवरी को एक डे मनाया जाता है पराक्रम दिवस, 2 साल पहले स्टार्ट किया गया था सुभाष चंद्र बोस पे। तो मैं बोला कि 24 जनवरी को कौन सा डे आता है, ये सवाल पूछा जा सकता है, बोलोगे हाँ, तो बोस पे मनाया जाता है, हाँ। अब अगला, अब इससे मैं पीछे जाऊं तो मैं बोलूं कि बोस कौन कौन सा स्टेप लिए थे, तो आप बोलोगे ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो गया, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए, ये किए, ऐसे किए, कब वो कांग्रेस के सेशन में अध्यक्ष बने, सारा सवाल बन रहा है। तो आपको सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, उस करंट अफेयर्स से आपको रिलेट करना है स्टैटिक जीके को, और जो हिस्ट्री है जो इससे रिलेटेड पॉलिटी है, मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट में या फिर कोई लोकसभा में नया बिल आया, उस बिल को रिलेट करो पॉलिटी से। मान लो कोई फेस्टिवल मनाया गया, उसको रिलेट करो ज्योग्राफी से। तो रिलेट करना सीखो, मंथली करंट अफेयर्स के 200-300 क्वेश्चन निकाल लो और उसको रिलेट करो हर सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, और आपका कुछ बचा नहीं। इकोनॉमिक्स में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स से बच भी सकते हो। अब देखो क्या है, ये है अभी के जो लेवल के सवाल आ रहे हैं ना, अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, ध्यान से सुनना। अगला चीज कि आपको रिलेट तभी कर पाओगे ना जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पैदा होगा रोटी खाना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे ना। तो आपको ना क्या करना है कि पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, तो आप कोई भी बेसिक वाले बुक उठा लो, हिस्ट्री, हिस्ट्री में ना थोड़े बहुत तो कहानी पता होंगे कि गांधी जी कब आए थे, अलाउद्दीन खिलजी कब आया था, मूवी देख के भी, तो आप वो बेसिक कहानी पर ही शुरुआत आप करना मॉडर्न से, कि मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़ लिए, फिर आप मेडाइवल पढ़ लेना, फिर आप एनिशन पढ़ना। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से आता है, फिर यहाँ से आता है, यहाँ से बहुत कम आते हैं, यहाँ से आते भी है तो मान लो बौद्ध से आते हैं, जैन से आते हैं, बहुत रेयर ही आते हैं। ज्योग्राफी पढ़ना, पूरा स्टैटिक जीके यहीं से आता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी पढ़ना, 2 सवाल फिक्स है आपके, यहां से आते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी पढ़ना, ये सब अगर हो जाए, पॉलिटी हो जाए, ये दोनों हो जाए, ये हो जाए, फिर ये पढ़ना। इतना चीज अभी 3-1.5 महीने में करो, 1.5 से 3 महीने में, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं मेंस के लिए बताऊंगा कैसे क्रिटिकल चीजों पर काम करना। फिर आपका देखना जो होगा ना कि सबसे अच्छे बच्चों में आप आओगे, सबसे अच्छा मार्क्स आपका आएगा, टेस्ट में ना हर बार आप टॉप में आओगे, आपका परसेंटाइल 95% 96% 98% आएगा। मेरा मॉक में 99% हमेशा रहता था एवरेज, टीयर 3 में मेरा मार्क्स कम आने के वजह से 112 रैंक आया, नहीं तो मेरा 30 रैंक बन रहा था ऑल इंडिया रैंक। अभी आप लोगों का वो भी बेनिफिट है कि डिस्क्रिप्टिव खत्म हो गया, पूरा का पूरा आपका मेहनत का रैंक आएगा, जितना आप मेहनत करोगे उतना अच्छा रैंक आएगा। अब देखो 2 चीजें बताता हूं, पहला कि 1 अप्रैल से ना एक बैच आ रहा है, फ्री बैच है, पूरा का पूरा यूट्यूब पर, अ से अंग अ तक। ये जो है ना अपने बिहार के, यूपी के जो हमारे हिंदी मीडियम के भाई होंगे उनको डेडिकेटेड है। मैं ए टू जेड करके ब्रिटिश वाला नहीं बन सकता ना, क्योंकि सरकारी स्कूल का बच्चा हूँ यार। तो अ से हम लोग शुरू करते हैं, सबसे बेसिक से। 7:30 बजे क्लास होगा इसका 1 अप्रैल से। एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आपको कोई और चीज की नीड है, लाइक कि हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करें, स्पेलिंग गलती हो जाए तो मैं अगली बार पढ़ के आऊंगा, हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट। दूसरा चीज मान लो कि मॉक को अटेम्प्ट कैसे करें, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक, इन टाइप की किसी भी चीज को आपको नीड है तो आप कमेंट करना, मैं आपको अच्छे से आके एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूं कि इससे आपको बहुत हेल्प मिला होगा, और भी कोई नीड होगी तो आप कमेंट करके बताना।